नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से सपने हैं जिन्हें भूल कर भी आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, यानी आपको इन सपनों को किसी से भी नहीं बताना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। दर्शकों, किसी को अच्छे सपने आते हैं, किसी को बुरे सपने आते हैं और किसी को डरावने सपने भी आते हैं। कुछ लोग नींद से उठते ही अपने इस सपनों की व्याख्या दूसरे व्यक्तियों से कर देते हैं। वह यह भी नहीं सोचते कि यह सपना उन्हें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो दर्शकों, आज हम आपको इन्हीं सपनों से अवगत कराने वाले हैं। दोस्तों, नंबर वन, यदि आप सपने में साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं या फिर आपको सपने में भगवान दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या फिर आप भगवान की पूजा करते हुए खुद को देखते हैं। दोस्तों, भगवान से संबंधित किसी भी सपनों को आपको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान के सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी आत्मा दूसरे प्राणियों से अधिक पवित्र है। दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों को ऐसे सपने आते हैं उनके ऊपर सीधा आशीर्वाद का होता है, ईश्वर का। इसीलिए आपको इन सपनों को किसी से भी नहीं शेयर करना चाहिए दर्शकों। दोस्तों, नंबर दो, अगर आप सपने में अपने माता पिता को आपको पानी पिलाते, पानी देते या किसी भी रूप में माता पिता और पानी, तीनों के सपने अगर आप एक साथ देखते हैं तो आपकी तरक्की की ओर यह संकेत करता हुआ सपना है। तो आपको इस सपने को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए दर्शकों। दोस्तों, नंबर तीन, अगर आपको सपने में भगवान बार बार दर्शन दे रहे हैं और आप बार बार इन सपनों को किसी से भी शेयर कर रहे हैं, दर्शकों ऐसा करने से आपके जो सपनों के शुभ परिणाम हैं वह विफल हो सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप इन सपनों को अपने तक ही रखिए, वरना आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा होने वाला है वह नहीं होगा दर्शकों। दोस्तों, नंबर फोर, दर्शकों यदि आप सपने में खुद को बस में सफ़र करते हुए देख रहे हैं तो भी आपको यह सपना किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सपना एक बहुत ही विशेष सपना है या आपके हर ओर से तरक्की, प्रगति की ओर इशारा करता है। इसलिए आपको इस सपने को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर पाँच, अगर आप सपने में अपने माता पिता को देखते हैं कि वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो भी आपको यह सपना किसी से भी नहीं बताना चाहिए। यह सपना सर्वोत्तम सपना है और यह सपना आप किसी को बताएंगी तो आपके शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि यह पांच सपने आप किसी से भी ना शेयर करें। तो राधे राधे दर्शकों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।